नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी की खबरों के क्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आज किसान यूनियन के नेताओं और किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा 5 जून को जो अध्यादेश लागू किया है उसे किसान विरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। किसान नेताओं ने कहा कि जहां सरकार एक देश और एक बाजार की बात कह रही है और कृषि संबंधित इस अध्यादेश को किसान हितैषी बताकर सपना दिखा रही है, दरअसल यह योजना किसान विरोधी है। इसे सरकार को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा किसान यूनियन इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। इस संदर्भ में किसान नेताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं किसान नेता का आखिर क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए ललितपुर से मनोज जैन के साथ सहयोगी पंकज रेखवार और महेंद्र सिंह बुंदेला की यह रिपोर्ट। ढाई रुपया और बाहर नहीं है, इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। व्यापारी लोग बाहर आएंगे, बाहर से माल ले जाएंगे और ढाई की लालच देके हमारे किसानों से 5 रुपया क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा पैसा लेंगे। इसलिए सीधी बात है, ये अध्यादेश है, इसमें जो भी किसान विरोधी बात लिखी है उसको वापस किया जाए, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी। जय जवान जय किसान।